नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज। मुंबई के MHB पुलिस स्टेशन की हद में रविवार सुबह 4 बजे के करीब एक तेज रफ्तार टेम्पो ने 3 रिक्शा चालकों को रौंदा, जिसमें एक रिक्शा चालक की स्पॉट पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक उस टेम्पो का ड्राइवर फरार हो गया था। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। तेज रफ्तार टेम्पो ने ली रिक्शा चालक की जान। मुंबई बोरिवली पश्चिम LIC कॉलोनी के सामने गणपत पाटिल नगर गली नंबर 3 के बाहर रविवार सुबह 4 बजे के करीब एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सवारी के इंतजार में खड़े रिक्शा चालकों को रौंदते हुए एक घर में जा घुसी। टेम्पो बोरिवली से दहिसर की ओर जा रही थी। इस घटना में राम यादव नामक रिक्शा चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य रिक्शा चालक वीरेंद्र कुमार गुप्ता का दाहिना पैर और कमर की हड्डी टूट गई। वहीं तीसरा रिक्शा चालक इस दुर्घटना से बाल बाल बच गया। वहां पर 4:20 के बाद में एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जब हम लोग आए यहां पर तो देखे कि मतलब खत्म हो चुके थे। चाप पड़ गया था, खींच दिया था। तीन गाड़ियां के लिए बचे, 3 ड्राइवर थे। उनका कोई का पैर टूटा, कोई का हाथ टूटा है, जो उनको हॉस्पिटल में सब लोग पहुँचाए। उसके बाद यहाँ से गाड़ी बुलडोजर आया, यहाँ से खींच करके मट्टी हॉस्पिटल पहुँचाई गई। हम लोग निकाले साथ में हो करके, सब लोग सबका सहयोग से वजह से तब तक पुलिस आई, सारा काम क्लियर। वो ड्राइवर ने गाड़ी का जैसा मौका मिला और गाड़ी ठड़ी होते ही उसने फरार हो गया। उसके बाद पुलिस आने तक सब लोग घुट जुटे और यहाँ पर ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चल रहा है। घटना के बाद से फरार टेम्पो चालक मोहम्मद मोतीन सिकंदर खान के खिलाफ IPC धारा 304A, 279, 184, 134B के तहत मामला दर्ज कर MHB पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। खबर के अनुसार शाहपुर में माया आड़ो नामक महिला ने समृद्धि लोक संचालित साधन केंद्र नामक संस्था बना रखी है। मुंबई में भी इस संस्था की शाखा कार्यरत है, जिसे स्वप्निल जाधव की देख में चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंडित ठाकरे ने बताया कि जाधव ने मुंबई महानगर पालिका से बकरे और मुर्गियों को काटने के बाद उत्पन्न कचरे को उठाने और उसे डंपिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। टेम्पो उसी काम में लगाया गया था। कल सुबह हुई घटना के बाद उसी ने पुलिस को रजिस्टर देख कर बताया कि टेम्पो कांदिवली पश्चिम के गणेश नगर में रहने वाला मोहम्मद मोतीन खान चला रहा था। वहीं घटना में बुरी तरह घायल वीरेंद्र गुप्ता का मनपा के शताब्दी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बोरीवली पश्चिम से सिराज नथानी की रिपोर्ट, न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज। न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज की डेली और रेगुलर अपडेट देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।